सोचिए जब आप चैट बॉट से 10, 12 साल 15 साल की दोस्ती आपकी होगी, वो आपको इन एंड आउट पूरी तरह जानता है. जब वो आपसे कहेगा ना ये खरीदो, तो आप खरीदेंगे क्योंकि उसे आपकी हर कमजोरी पता है. तो कंपनी जाहिर है उसका पूरे का पूरा प्रॉफिट चल इन्हीं चीजों से रहा है कि जब वो कस्टमाइज बॉट आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं. एग्जैक्टली बात है, तो आप उसे केयरफुली देने की जरूरत है. हम लोग ऑन द अदर एंड बेसिकली लैब रैट्स बने हुए. यस, अनफॉर्चुनेटली इस सेंस में यस. कोई वेबसाइट है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, मुश्किल पेज है, विकिपीडिया का पेज है, या कोई हमारी नादरा की वेबसाइट है, आपको प्रोसेस समझना चाहते हैं, इसे लिंक दें और लिंक देकर वो सवाल पूछ लें. इस वेबसाइट के एतबार से आईडी कार्ड बनवाने का तरीका क्या है, वो समराइज करके आसान वर्ड्स में वहां से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले आएगा. तो बहुत फायदे की बात है. फिर इसमें कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो अभी नहीं है, जो चंद दिनों में मेटा ऐप वाली पे आ जाएंगे, चैट जीपीटी में है, यानी उर्दू लैंग्वेज की कैपेबिलिटी. फिलहाल वो इनकार कर देता है, जवाब देना शुरू करता है, फिर इनकार कर देता है, मैं अभी उर्दू नहीं हैंडल कर सकता. तो चंद दिनों में आई एम श्योर कि ये इनेबल हो जाएगा. रोमन तो लिख लेता है, रोमन लिख लेता है लेकिन उर्दू के जो है वो यूनिकोड के अंदर अभी नहीं लिखता, जो हमारा ये नहीं है, अगर हम अपनी फॉन्ट में चाहें. हमारे साथ एआई एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आगा अली रजा साहब, लम्स में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमारी ऑडियंस को बताएं सर सादा अल्फाज में, एक तो व्हाट्सएप पे जो नया फीचर आया ऊपर ब्लू कलर में जो एक दायरा है, उसको हम अच्छाई के तनाजुर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी हेल्प कर सकते हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है? दोनों चीज़ें. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तो इसमें यानी अगर दो अगर इसको लेवल्स पर देखा जाए, सबसे पहले जो फैसिलिटीज़ वो अभी आपको दे रहा है, जैसे आपने कहा आपके काम के अंदर, अभी जैसे आज का ये इंटरव्यू है, अगर आप उससे ये पूछ लेते कि ये प्रोफाइल है उन साहब की जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और ये हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट कम अज कम एक बेसलाइन दे देता जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते थे, उसे आप एडिट कर सकते थे. लेकिन अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें सबसे, तो क्योंकि कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप उसे एक इंटेलिजेंट पार्टनर असिस्टेंट समझें ना, तो अब चीज़ें खुद जहन में आने लगेंगी कि वो क्या क्या कर सकता है. वो आपके मजमून लिख सकता है, नज़में लिख सकता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इंट्यूशन एक्सप्लेन कर सकता है. एक स्टूडेंट है, वो जानना चाहता है मुझे ये मैथ्स का सवाल नहीं समझ में आ रहा, वो उस सवाल को रेफर करके कि ये वाला सवाल है, मुझे इंट्यूटिवली समझा दें आसान लफ्जों में कि इसका मतलब क्या है. ये स्टेप अगले स्टेप से मैं तो अपने रील्स का कांसेप्ट देती हूं, बड़ा अच्छा लिख के दे देता है कि सार्केस्टिक लिखना है, हैप्पी लिखना है, सैड लिखना है, अपनी इमोशंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं. अब मैंने देखा अक्सर मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करी होती है कि मैं परेशान हूं, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो आगे से वैसे ही रिप्लाई करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल. फिर इसी में आप एक कैपेबिलिटी और ऐड कीजिए जो इसमें मौजूद है, और ये शायद कम लोगों को पता होती है. कोई वेबसाइट है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, मुश्किल पेज है, विकिपीडिया का पेज है, या कोई हमारी नादरा की वेबसाइट है, आपको प्रोसेस समझना चाहते हैं, इसे लिंक दें और लिंक देकर वो सवाल पूछ लें. इस वेबसाइट के एतबार से आईडी कार्ड बनवाने का तरीका क्या है, वो समराइज करके आसान वर्ड्स में वहां से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले आएगा. तो बहुत फायदे की बात है. फिर इसमें कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो अभी नहीं है, जो चंद दिनों में मेटा ऐप वाली पे आ जाएंगे, चैट जीपीटी में है, यानी उर्दू लैंग्वेज की कैपेबिलिटी. फिलहाल वो इनकार कर देता है, जवाब देना शुरू करता है, फिर इनकार कर देता है, मैं अभी उर्दू नहीं हैंडल कर सकता. तो चंद दिनों में आई एम श्योर कि ये इनेबल हो जाएगा. रोमन तो लिख लेता है, रोमन लिख लेता है लेकिन उर्दू के जो है वो यूनिकोड के अंदर अभी नहीं लिखता, जो हमारा ये नहीं है, अगर हम अपनी फॉन्ट में चाहें. फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अभी फाइल अपलोड करने की कैपेबिलिटी नहीं है डायरेक्टली, आप पीडीएफ या इमेज अपलोड नहीं कर सकते, वो आई एम श्योर थोड़े दिन के अंदर वो भी इनेबल हो जाएगी. और सबसे ज़रूरी जो हमारी पॉपुलेशन के लिए है, ऑडियो की एबिलिटी, जैसे कि चैट जीपीटी की जो ऐप है उससे आप गुफ्तगू कर सकते हैं बोलकर, और उर्दू में भी कर सकते हैं. इसमें भी यकीनन जल्दी ये इनेबल कर देंगे कि आप उर्दू में इसको वैसे ही मैसेज करेंगे जैसे अपने दोस्तों को वॉइस नोट भेजते हैं, और ये वॉइस नोट में जवाब देगा या रिटन में जवाब देगा. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं. अली रजा साहब, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिकॉज ये इंसान की काबिलियत बढ़ाएगा या हमें और नालायक कर देगा? बिकॉज जब हम रिलाय सिर्फ इस पर करेंगे हर चीज़ के लिए, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा, ये इस बात पर गौर करते रहना चाहिए. लेकिन मैं पॉजिटिव इस सेंस में देख रहा हूँ कि जिन चीज़ों में हमारे वक्त का बहुत हिस्सा लग रहा होता है, और बाज़ दफ़ा हम ये महसूस भी कर रहे होते हैं नहीं लगना चाहिए. मिसाल के तौर पर आइडिया आ गया, क्रिएटिविटी मेरी है, मेरे पास पॉइंट्स आ गए, आपने एक आर्टिकल लिखना था, ब्लॉग लिखना था, आपके पास बेसिक पॉइंट्स हैं. अब आप उसके ऊपर कई दिन लगाएंगे उसकी नोक पलक दुरुस्त करने में, उसकी ज़बान दुरुस्त करने में, स्टाइल दुरुस्त करने में, परसुएसिव क्लियर बनाने के लिए. इन चीज़ों में वो आपको एक क्विक ड्राफ्ट दे देगा, आपका 80% टाइम बच जाएगा, लेकिन 20% अभी भी आप ही हैं. यू आर इन कंट्रोल एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. सही बताएंगे तो वो आपको सही से टॉन करके देगा. एग्जैक्टली. अच्छा, अब ये जो आगे बढ़ती जा रही टेक्नोलॉजी, इसमें डीप फेक वाले मामला भी आ रहे हैं, इतने खतरनाक हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, कोई पॉलिसी है इसमें? देखिए ये बहुत आपने दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि पॉलिसी एक गवर्नमेंट को भी बहुत जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है. Exactly. जितनी ये कैपेबल चीज है, जो मसाइल अभी आ रहे हैं वो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है. ये इससे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी होने के मामला, लोगों की जो क्रिएटिविटी है, उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया है वो पूरे का पूरा चोरी हो गया, एंड देयर इज नो वे टू प्रूव कि वो चोरी हुआ है, डीप फेक बन गया.
अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास इन चीज़ों के तोड़ हैं, हम आपको बता सकते हैं कन्विंसिंगली कि ये पर्टिकुलर वीडियो फेक है या रियल है, ये चीज़ें मुमकिन है। आम आदमी नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए अवाम की भी तरबियत की ज़रूरत है कि वो हर वीडियो को देखने के बाद अब नहीं मान सकते कि ये असली है या नहीं है, उनको वेरिफिकेशन की आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ताकि जब डिफेमेशन होती है उसकी बुनियाद यही है कि आवाम जो है फौरन उस चीज़ के पीछे चल पड़ती है कि अच्छा ये यही शख्स होगा। इसी नहीं फायदा भी हुआ ना कि अगर किसी की असली भी है तो वो भी शक में पड़ गई। ये बहुत अपने अच्छा पॉइंट किया कि इससे पोलराइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, इंसान को असल खबर पे भी यकीन नहीं आता। तो जो उसका जो बेहतरीन तरीका है ना, वो दरमियान में सिचुएट करना है कि जो भी खबर आए उसको वेरीफाई करो, ये देखो कि ये कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, किस जगह से ये चीज़ की गई, उसके बाद उस पर यकीन करो, उसके बगैर यकीन ना करो। तो अली रजा साहब, अब तो पूरी कौम और पूरी मुआशरे की एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है कि जो ना सिर्फ इन टूल्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें बल्कि अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है तो वो हैंडल करने की सलाहियत भी रखें। एग्जैक्टली। लेकिन बड़ा आसान नहीं हो गया किसी से आपने बदला लेना है, उसकी एक तस्वीर ले लें और उसको बदनाम कर दें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये हर सतह के ऊपर इसको डील करना पड़ेगा। एक तो ये कि जिसके साथ हुआ है विक्टिम, उसकी भी एक तरबियत ये कि अगर जैसे ऐसा मसला हो जाए तो उसे ट्रॉमा से बाहर किस तरह आना है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, उसको ये समझ हो कि मैंने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फिर पॉलिसी में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इदारे और उनका फ़ाल होना कि उनके सामने ये प्रॉब्लम ले जाई जाए तो वो मिनटों में या घंटों में उसे सॉल्व कर सकें, ना कि ये कि सालों के ऊपर उस चीज़ को डाल दिया जाए कि इसका जो है इवेंचुअली एक जवाब आएगा, क्योंकि जाहिर वो ट्रॉमा से तो अभी गुजर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इससे हमारा साइबर क्राइम सिस्टम है वो तो इतना अच्छा नहीं है, माजरत के साथ। जी जी। वो तो हर किसी के लिए नहीं है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते। मैंने खुद एक रिपोर्ट की हुई चीज, उस पर कोई फायदा नहीं हुआ था, और अगर मीडिया का बंदा ऐसा कह रहा है तो आम आदमी को तो बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता होगा। बिल्कुल। तो अब ये वाली टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए या फिर इसी डिपार्टमेंट में बेहतरी आनी चाहिए? आई थिंक डिपार्टमेंट में बेहतरी आनी चाहिए, उनका ऐसा विंग होना चाहिए जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ क्लोजली वर्क कर रहा हो, जो कि इस तरह के फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स हों जो फौरी तौर पर इस तरह की, क्योंकि देखें इसकी प्रोसेसिंग में वक्त नहीं लगता। आप एक वीडियो देंगे, वो 5 मिनट में एल्गोरिथम से गुजर के उसका जवाब आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कि ये 60% चांसेज हैं कि ये रियल है या 40% चांसेज है कि रियल है, ये चीज़ वहाँ से आ जाएगी, उसमें सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं फेक होने के। अच्छा, अगर कोई AI टेक्नोलॉजी यूज करके डीप फेक बनाता है तो वो ट्रेस हो सकता है? जी, हो सकता है। और अब इसमें ना चूहे बिल्ली की गेम है, जैसे जैसे हम उसका पकड़ना बेहतर कर रहे हैं वैसे वैसे फेक भी बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो हमेशा वो ट्रेस होना मुमकिन होता है, उसे ट्रेस किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इन टूल्स को हम यूज कर रहे हैं जब, और स्पेशली व्हाट्सएप के अंदर जब यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो हम एक डेटा फीड कर रहे हैं, हमारी शख्सियत को रीड करना ज्यादा आसान होगा इस सॉफ्टवेयर के लिए भी कि ये शख्स किस तरह का है। जी। तो जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, ये एक डेटा है, ये कितना सेंसिटिव है, ये कहीं फीड हो रहा है, ये कहीं मिसयूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल फीड हो रहा है। और ये तरबियत भी कि हमने इससे क्या कहना है क्या नहीं कहना, कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कितनी नहीं करनी, क्योंकि जो एग्रीमेंट हमने इम्प्लिसिटली इनके साथ मान लिया होता है ना, उसमें शामिल होता है कि वो हमारा डेटा यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल्स को बेहतर करने के लिए, कुछ और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका मतलब होता है एसेंशली अब आप एक हमारे एक ज़हनी तौर पर हम समझते हैं कि हम एक डेड मशीन से बात कर रहे हैं, हम उसे अपने ऐसे राज भी बता देते हैं जो किसी इंसान को भी नहीं बताते। Exactly. हम समझते हैं ये उस तक जा रहे हैं, उस तक नहीं जा रहे, उस एंटायर कंपनी तक जा रहे हैं जिसने इसको एडवर्टीजमेंट्स के लिए इवेंचुअली यूज़ करना है, टारगेटेड एड्स के लिए यूज़ करना है। जैसे फेसबुक की साइट पर जो एड्स आते हैं वो आपकी प्रोफाइल के एतबार से आते हैं। अब सोचिए जब आप चैटबॉट से 10, 12 साल 15 साल की दोस्ती आपकी होगी, वो आपको इन एंड आउट पूरी तरह जानता है। जब वो आपसे कहेगा ना ये खरीदो तो आप खरीदेंगे, क्योंकि उसे आपकी हर कमजोरी पता है। तो कंपनी जाहिर है उसका पूरे का पूरा प्रॉफिट चल इन्हीं चीजों से रहा है कि जब वो कस्टमाइज बॉट आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो आप केयरफुली देने की जरूरत है। हम लोग ऑन द अदर एंड बेसिकली लैब रैट्स बने हुए। यस, अनफॉर्चुनेटली इस सेंस में यस। फायदे हैं, हमें बड़ा समय साथ इन्फॉर्मेशन देना होगी, जिसकी का दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गई, बातें नहीं बतानी आपने आई को, कोई बात नहीं, वो बाद में हो सकता है कि आपके शोहर के बाद भी वो ये वाली चीजें सामने लाता हो कि दिल टूटने के बाद ये चीज है। और अक्सर हमने देखा है कि मैं या अजीम या आप गुफ्तगू कर रहे हो, फोन बंद पड़ा है, फोन खोले वैसे ही एड्स आना शुरू हो जाते हैं और वैसी चीजें, ये मतलब ये बॉट्स काम कर रहे हैं। देखिए एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप ओके गूगल कहें मैंने कहा है तो मेरा फोन एनेबल हो गया होगा, ऑटोमेटिकली अवेक हो गया होगा, दैट मींस इट वाज लिसनिंग ऑन द एंटायर कन्वर्सेशन। इसको वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन कहते हैं कि जब ये टर्म बोली जाए तो एनेबल हो जाता है। इतना वक्त काफी रहा, हम एक और निशेष रखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चाहेंगे कि आप इन डिटेल हमारे नाज़रीन को इसका सही इस्तेमाल करना भी बताएं जो इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।